अस्सलाम वालेकुम दोस्तों दोस्तों आज हम बात करेंगे न्यूजीलैंड टूर ऑफ वेस्ट इंडीज, जिसका आज पहला T20 मैच खेला जा रहा है, जो कि वेस्ट इंडीज में खेला जाएगा। दोस्तों दोनों टीमों की अगर हम बात करें, तो पहले हम वेस्ट इंडीज के स्क्वाड की अगर हम बात करें, तो वेस्ट इंडीज की टीम में नेकलन पोरान जो कि विकेट कीपर भी हैं और टीम के कैप्टन भी हैं। नेकलन पोरान ने अभी तक 65 मैचेस खेले, रामन पॉवल 118 मैचेस खेल चुके हैं अब तक, सैमन ब्रुक्स 34 मैचेस खेल चुके हैं दोस्तों, डोमिनिक डॉक्स ने 9 मैचेस खेले हैं, सैमरन एम्पटर जो कि 48 मैचेस खेले हैं, जबकि जैसन ऑल्डर 43 मैचेस खेल चुके हैं वेस्ट इंडीज की तरफ से अब तक। उसके बाद अकील हुसैन जो कि बॉलिंग करते हैं 28 मैचेस खेल चुके हैं, एजरी जोसेफ ने 4 मैचेस खेले हैं, एजरी जोसेफ भी एज अ बॉलर खेल रहे हैं, ब्रेंडन किंग्स ने 28 मैचेस खेले हैं, एज अ बैट्समैन खेल रहे हैं, काइल मेयर्स जो कि 14 मैचेस खेल चुके हैं, जो कि एक ऑलराउंडर के तौर पे खेलते हैं, ओबेड में 22 मैचेस खेल चुके हैं, एज अ बॉलर खेल रहे हैं, जबकि कैमियो पावल ने 23 मैचेस खेले हैं। और अगर बाकी भी अगर खिलाड़ियों की बात की जाए, तो रेमियो शेपर्ड ने 20 मैचेस खेले हैं, ऑडम स्मिथ ने 16 मैचेस खेले हैं, डेमिन थॉमस ने 6 मैचेस खेले हैं, जबकि एडलिन वाश जो कि बॉलिंग स्पिन बॉलर हैं, उन्होंने अब तक 34 मैचेस खेले हैं वेस्ट इंडीज की टीम के लिए। ये था दोस्तों वेस्ट इंडीज का पता नहीं स्क्वाड। अब देखते हैं कि इसमें से कौन सा प्लेइंग 11 खेलता है वेस्ट इंडीज का। अगर हम न्यूजीलैंड की बात करें, तो न्यूजीलैंड की तरफ से केन विलियमसन जो कि टीम के कैप्टन है, एक बड़े अच्छे बैट्समैन, 74 मैचेस अब तक खेल चुके हैं वेस्ट इंडीज की तरफ से। फिन एलन ने 13 मैचेस खेले हैं, ट्रेंट बोल्ट 44 मैचेस खेल चुके हैं दोस्तों, जबकि मिचेल बर्नवेल ने 6 मैचेस खेले हैं, डेविन कनवे 20 मैचेस खेल चुके हैं, डेविन कनवे जो कि एक बड़ा आगे एक बड़े खिलाड़ी के तौर पे सामने आ